नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां सुनसान स्थानों से बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले तीन शातिर चोरों को कंधरापुर थाने की पुलिस ने रविवार की अलसुबह चेकिंग के दौरान सहदा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए मुख्य आरोपी गर्लफ्रेंड को मेला घुमाने के लिए अपने दो साथियों के साथ बाइक चोरी की घटना को अंजाम देता था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से चार चोरी के बाइक, तमंचा, कारतूस व 4500 रुपये नकद बरामद किए हैं। उक्त चोर अब तक 6 बाइक चोरी कर चुके हैं। कंधरापुर थाने की पुलिस रविवार की अलसुबह अपने टीम के साथ चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान किशुनदासपुर सर्विस लेन की तरफ से तीन बाइक आती हुई दिखाई दी। जैसे ही बाइक नज़दीक पहुंची तो पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किए। पुलिस ने संदिग्ध देखकर बाइक सवार तीन लोगों को सहदा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि तीनों बाइक चोरी की हैं, हम लोग बाइक चोरी करके बेच देते हैं। अभियुक्तों के निशानदेही पर एक और चोरी की बाइक बरईपुर से बरामद किया गया है। पकड़ा गया आरोपी मयंक यादव ने बताया कि वह मेला देखने के लिए अपने दो साथी रजनीश कुमार व शिवम कुमार के साथ बाइक चोरी की घटना को अंजाम देता था। वह पैसा आने के बाद अपने गर्लफ्रेंड को भी मेला घुमाता था। आरोपी मयंक यादव निजामाबाद थाना क्षेत्र के कोलपुर, रजनी कुमार व शिवम कुमार कंधरापुर थाना क्षेत्र के मकबूलपुर गांव का निवासी है। क्या पकड़ा? ये थाना कंधरापुर में तीन लड़कों की गिरफ्तारी करी गई है, जिनका नाम मयंक यादव, रजनीश कुमार व शिवम कुमार है। मयंक जो है वो निज़ामाबाद का रहने वाला है व रजनीश व शिवम ये कंधरापुर के रहने वाले हैं। ये लोग मोटरसाइकिल चोरी करते थे और इनके द्वारा 6 मोटरसाइकिल चोरी करना इनके द्वारा कबूला गया, जिसमें 4 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए व 2 का जो इनके बेच के जो पैसा इनको प्राप्त हुआ था वो इनसे बरामद किया गया। ये लोग सुनसान स्थान पर देखते थे कौन सी गाड़ी अनअटेंडेड खड़ी है और उसको ये तोड़ के उसका हैंडल मोटरसाइकिल लेके चले जाते थे। उसके बाद उसमें नंबर प्लेट बदल लेते थे और लोगों को इसको बेच देते थे। इनका पर्पस ये था कि इसको मोटरसाइकिल बेच के ये मेला घूमने चाहते थे, क्योंकि त्यौहार का टाइम आ रहा, मेला अलग अलग स्थानों पे लगता है, तो उसके लिए और अपने मित्रों के साथ ये वहाँ जाना चाहते थे। इन्होंने ये अपने पूछताछ में बताया जिसके लिए ये चोरी किया करते थे। त्यौहार के टाइम में ये गैंग सक्रिय था, तो इनके पकड़े जाने से चोरी की घटनाओं में ये इसका 6 घटनाओं का खुलासा हुआ है और इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, नया गैंग है या किस तरीके का है ये नया गैंग है जो केवल मेला घूमने को लेकर चोरी करता था। तो सर, मेला घूमने के लिए इतना पैसे की जरूरत, जैसे क्या मतलब कुछ लड़की का भी इसमें पक्ष है? हाँ, ये अपने महिला मित्रों को वहाँ घुमाने ले जाता था और जिसके कारण इसको पैसे की आवश्यकता थी और ये चोरी किया करता था। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।